Hi everyone, Simon this side. अभी मैं दुबई में हूँ फिलहाल. सो आई हैव लाइक यू नो आई एम हियर टू स्टार्ट माई ओन कंपनी. सो उसके पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्कैम कैसे होता है. सो हर कोई आप एक्सपोर्टर की बात करते हो देखते हो कि स्कैम के बारे में कोई बात ही नहीं करता है. तो इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टार्ट यूर कंपनी इन दुबई, तो सबसे पहले स्कैम आता है जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स दिखाते हैं ना कि स्टार्ट यूर कंपनी इन दुबई, जो 10,000 dirham, 12,000 dirham, 20,000 dirham से स्टार्ट करते हैं. उसमें दो चीजें आती है. द फर्स्ट थिंग इज कि आप फ्री जोन में कर रहे हो या मेनलैंड में. यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होता है मेनलैंड में कंपनी खोलने का. बट सबसे ज्यादा जब भी आप ये सोचो कि 10,000, 15,000, 12,000 दिरहम के ऊपर करता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. क्योंकि यहाँ पे वाउचर्स निकलते हैं. वाउचर्स होता है लाइसेंस की कॉस्ट. तो यहाँ पे आपको बहुत टाइप का स्कैम के बारे में बताता हूँ कि कैसे होता है. तो फर्स्ट थिंग इज कि जो भी वेट आपको बताया जाता है यहाँ पे वो एक्चुअल में होता ही नहीं. ठीक है, जैसे आप उनको करोगे तो एक वो बताएंगे कि आपका अरेबिक नाम चाहिए या आपको इंग्लिश का नाम, वहाँ पे कोटेशन में डाल देते हैं. तो अगर आपको लगता है ठीक है अपन अरेबिक नाम ले लेंगे, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, वी कैन स्कैन दैट डॉक्यूमेंट, मतलब मेंटेलिटी ये होती होगी ना कि मैं स्कैन कर लूंगा तो अरेबिक टू इंग्लिश में आ जाएगा, तो इसका ये 2,000 dirham के पास ले लेते हैं. तो ये एक फर्स्ट स्कैम हुआ.